अभी शुरू करते हैं लेक्चर थ्री ट्राइंगल्स नाइन स्टैंडर्ड अभी देखो सपोज एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके दो साइड इक्वल है कौन से दो साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी तो अगर ये ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है तो इसको क्या कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं कौन सा ट्राइंगल कहते हैं इसको आईसोसिलिस ट्राइंगल ठीक है तो अभी इस ट्राइंगल में इस साइड के अपोजिट वाले जो एंगल्स है वो इक्वल रहते हैं मतलब एबी के अपोजिट कौन सा एंगल है एसीबी और ए सी के अपोजिट ए बी सी ये दो एंगल्स इक्वल है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल ऑफ़ एन आर इक्वल ये थ्योरम हमने लेक्चर वन में प्रूव किया है हमने ठीक है ओके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन एसोसरिस्ट ट्राइंगल आर इक्वल ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट लेक्चर में ठीक है अभी नेक्स्ट थ्योरम क्या है द साइड्स अपोजिट अ ट्रायंगल आर इक्वल मतलब कि अगर एक आइसोस अगर एक ट्रायंगल है कोई भी ट्रायंगल, इस सपोज ये ट्रायंगल है पी क्यू आर तो ये एंगल है सपोज थर्टी थर्टी नहीं लेते हम फिफ्टी लेते हैं फिफ्टी और ये है फिफ्टी तो इसके अपोजिट के जो साइड्स है पी क्यू That will be equal to PR. तो तभी भी बताया था मैंने कि इसका प्रूफ सिलेबस में इंक्लूडेड है नहीं इसलिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं ओके okay? फाइन अभी ये दो रिजल्ट को अप्लाई करते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए बाइसेक्टर एंगल ए का मतलब ये एंगल और ये एंगल्स इक्वल है एग्जाम्पल फोर कभी भी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो मैटर दिया हुआ है डेटा दिया हुआ है उसको इमीजिएटली समराइज करना शुरू कर देते हैं तो टाइम सेव हो जाता है इन ट्र एंगल ए बी सी बाई सेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए बाई सेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए मतलब एंगल बी ए डी बैड इज इक्वल टू एंगल सी एडी कैड इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी मतलब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज नाइंटी डिग्रीज शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी रू करना है ए बी और ए सी इक्वल है एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसलिस ठीक है तो अभी हम लोग लेते हैं इसको वन लेते हैं इसको टू लेते हैं हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी तो इसमें फ्रॉम वन एंगल बी ए डी Is equal to angle CAD from two angle ADB is equal to angle ADC and AD is equal to AD common side. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC. ये दो ट्राइंगल एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए अगर ये दो ट्राइंगल एगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसी से बहुत सारी चीजें प्रूव हो जाती है सबसे पहले प्रूव होता है ए बी इक्वल टू ए सी ए बी इक्वल टू ए सी क्यों सी पी सी टी उसके बाद प्रूव होता है अपना एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी अगेन सी पी सी टी ए डी बी इज इक्वल टू ए बी डी सॉरी ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी सी पी सी टी से ठीक है तो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल है तो सी इज आइसोसिलिस देखो टेक्स्ट बुक में उसने ये वाला प्रूव नहीं किया है लेकिन हम लोग प्रूव कर देंगे कभी कभी टीचर के दिमाग में कुछ घुस जाता है बोलता है, नहीं ये तुमने लिखा नहीं इसलिए एक मार्क कट करूंगा इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन में एक मार्क जाएगा तो बुरा लगेगा नेक्स्ट ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी मतलब एज इक्वल टू बी ई एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है कि दो इक्वल साइड्स है एक्वल टू बी ई क्यों ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए एफ इक्वल टू एफ सी क्यों एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी ठीक है शो दैट बी एफ इक्वल टू सी ईके बी एफ इक्वल टू सी ई मतलब बी एफ ए ये ट्राइंगल लेता हूं मैं और सी ई ए ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ देखो कैसे मैंने जमाया अभी सोल्यूशन मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ बी एफ एंड ट्राइंगल सी ई ए बी एफ ए एंड सी ई ए ठीक है तो इसमें बी एफ ए बी एफ ए में एफ ए इज इक्वल टू ई एज इक्वल टू हाफ ऑफ देखो इसमें एक चीज पहले प्रूव कर लेते हैं ओके कि ए अभी इसमें एफ ए चाहिए और ई ए चाहिए तो एफ ए क्या है मेरा हाफ ऑफ ए सी और ई ए क्या है मेरा हाफ ऑफ ए बी ए वन ये टू बट ए सी इक्वल टू ए बी इसको थ्री लिया सपोज फ्रॉम वन टू थ्री एफ एज इक्वल टू ई ए क्यों हाफ ऑफ ए सी या हाफ ऑफ ए बी तो दोनों ए सी और ए बी तो इक्वल है तो एफ ए और ई e इक्वल है सिमिलरली सिमिलरली ये दो ट्राइंगल ही कंसिडर कर रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है ये थ्री में गिवन है देखो एंड एंगल ई ए सी लेफ्ट में ये वाला ट्राइंगल है बी एफ ए है तो बी एफ ए में बी ए एफ एंगल बी एफ इज इक्वल टू एंगल सी ए कॉमन एंगल से भी तो एंगल है वो बी ए एफ लो या सी ए ई लो वो यही एंगल आ रहा है ठीक है तो देर फोर ट्राइंगल बी एफ ए कॉन्ग्रो टू ट्रायंगल सी ई ए बाय एस एस एक्जी हम एस एस एक्ज लिखेंगे हर वक्त क्यों क्योंकि एस ए एस एक्जीओम है बाकी सारे क्राइटेरियन है क्या करना है अपने को बी एफ इक्वल टू सीई तो अगर ये ट्राइंगल बी एफ ए और सीई इक्वल है तो बी एफ इक्वल टू सी हो गया ना बी एफ इक्वल टू सीई कैसे सी पी सी टी ओके एग्जाम्पल सिक्स देखते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर सिक्स इन ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी ए बी और ए सी इक्वल है लिख लेते फटक से ए बी इज इक्वल टू ए सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी बी इक्वल टू सी डी ये जो लेंथ है बीई और ये जो लेंथ है सी डी ये इक्वल है शो दैट ए डी इक्वल टू ए अभी देखो बी ई इज इक्वल टू सी डी बट बी क्या है बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी लेकिन ये ई डी या डी ई सेम है तो बी डी इक्वल टू सी ई तो ये अपना हो गया बी डी इक्वल टू सी ई ये प्रूव हो गया ओके okay? उसके बाद एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई कैसे वो थ्योरम था एंगल्स अपोजिट टूक्वल साइड आर इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया एंड ए बी इक्वल टू ए सी हो गया अपना वो तो दिया हुआ है देरफोर ट्राइंगल ए बी डी वो लेफ्ट और राइट के दो छोटे ट्राइंगल जो है इस कॉन्ग्रोए टू ट्राइंगल ए सीई कौन सा क्राइटेरियन एस एस क्राइटेरियन नहीं एक्सियम लिखेंगे देर फोर ए डी इक्वल टू ए प्रूव करना है ना शायद देखते हैं एडी इक्वल टू ए क्यों सीपीसीवन पॉइंट टू शुरू करते हैं एबीजल टू एसी बाइसे बी एंड बायसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ जॉइन ए ओ ये जॉइन करना आपने को ठीक है शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी ओ बी इक्वल टू ओ सी ओके ये एक हो गया ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है आपने फाइन एंड ए ओ बाइसेक्स एंगल ए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ये प्रूव करना है आपको तो ये अभी हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करना है तो ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ तो इसका प्रूफ बहुत जबरदस्त है देखो अभी है। देखो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सीबी क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल अच्छा बी ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी तो अगर एंगल ए बी सी ए सी भी है तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी होगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी लेकिन हाफ ऑफ एंगल ए बी सी क्या है एंगल ओ बी सी विच इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ठीक है इसको वन लेते हैं हम ठीक है एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी और इसको टू लेते हैं हम इन ट्राइंगल ओबीसी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी कैसे फ्रॉम टू ओके मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल हो गया देर फोर ओ बी इक्वल टू ओ सी क्यों साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल वो भी इक्वल टू ओसी हो गया तो ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिया हमने अभी देखो फ्रॉम वन फिर से देखो फ्रॉम वन एंगल एबीओ इज इक्वल टू एंगल एसीओ क्यों क्योंकि एबीओ जो है दैट इज हाफ ऑफ एबीसी एंड ए सी ओ इज हाफ ऑफ ए सी बी ठीक है अच्छा ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी फ्रॉम थ्री इसको थ्री नाम देते हैं अभी जो प्रूव किया वो भी इक्वल टू ओ सी देर फोर ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रो एन टू ट्राइंगल ए सी कौन सा एस एस साइड एंगल साइड एक्सियम, ओके एस एस एक्सियम, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एओ सी पी सी टी मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल हो गया क्या प्रूव करना था अपने को ए ओ बाइसे एंगल है हो गया प्रूफ देयर फोर ए ओ बायसेक्स एंगल है ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने देख लेते हैं सिक्स सेवन एट आठ क्वेश्चन है ओके okay? 15 मिनट का वीडियो हो गया ये भी 30-40 मिनट तक जाएगा ही जाएगा वीडियो ये सात क्वेश्चन बाकी है सेवन थ्री 21 ट्वेंटी तीन मिनट तो लगेगा कम से कम एक क्वेश्चन के लिए इन ट्राइंगल ए बी डी इज द परपेंडिकुलर बाई ऑफ बीसी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाई ऑफ बीसी मतलब मतलब डीबी इज इक्वल टू डी एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल एडीसीज नाइन्टी डिग्रीज पहले सेंटेंस का मैच कर लिया हमने सो दी सी एसोसिज ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी ओके सो दी सी एसोस अभी एडी इज इक्वल टू ए डी क्यों कॉमन साइड है देर फोर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रोव टू ट्राइंगल एडीसी एस एस एक्स ओके देर फोर एबी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी एंड एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी अगेन सीपीसी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैंगल एबीसी ओके सेकेंड क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर थ्री ए बी सीजन बी एंड सी एफ बी एंड सी एफ आर ड्रॉन इक्वल ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली तो ए सी इज इक्वल टू ए बी ओके तो पहले लेफ्ट वाला ए बी है इसलिए लेफ्ट वाला ए बी लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी शो दैट दीज आल्टीट्यूड्स आर इक्वल प्रूव क्या करना है टीपीटी क्या है मेरा टू प्रूव दैट क्या है सी एफ इज इक्वल टू बी ई ये प्रूव करना है तो मैं ये ट्राइंगल्स लेने वाला हूं देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ओके okay. तो ये नाइंटी है ओके okay. फाइन अभी ये कॉमन एंगल है एंगल सी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए ई कॉमन ए एफ सी और एफ सी और ए बी e, क्या है 90 डिग्रीज दिया हुआ है परपेंडिकुलर है करके तो देरफोर इन अभी इसको वन देते हैं इसको टू देते हैं इन ट्राइंगल ए सी एफ एंड ट्राइंगल ए बी ई ए सी एफ एंड ए बी ए सी एफ ये वाला ट्राइंगल एंड ए बी ये वाला ट्राइंगल ठीक है एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे आया एंगल सम प्रॉपर्टी बताता हूं देखो मेरे को ए से यूज करना है देखो ये एंगल कॉमन है सपोज इसको नाम दिया एक्स और ये नाइनटी है तो ये सपोज वाई है तो वाई तो क्या होगा y प्लस नाइन्टी प्लस एक्स कितना होगा वन एटी तो वाई कितना होगा वन एटी माइनस नाइन्टी प्लस एक्स विच इज़ नाइन्टी माइनस एक्स सिमिलरली अगर इसको मैंने जेड नाम दिया तो जेड प्लस नाइन्टी प्लस एक्स कौन से ट्रैंगल में ट्राइंगल ए बी ई e में जेड प्लस नाइन्टी प्लस एक्स कितना है वन एटी तो जेड कितना है वन एटी माइनस नाइंटी प्लस एक्स विच इज नाइन्टी माइनस एक्स तो z भी हो गया नाइन्टी माइनस एक्स वाई भी नाइन्टी माइनस एक्स तो z और वाई इक्वल है जेड क्या है ए बी ई और वाई क्या है ए सी एफ ए सी एफ तो इसका मतलब देरफोर ट्राइंगल ए सी एफ ज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बीई बाई विच क्राइटेरियन एस ए एस सॉरी एस एस नहीं है एस ए क्राइटेरिया तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सी एफ इज इक्वल टू बीई कैसे सीपीसी सी एफ इज इक्वल टू बीई बाय सी पी सी टी नेक्स्ट पांच क्वेश्चन बचे अपने ओके इक्कीस मिनट का वीडियो हो गया कम से कम पंद्रह मिनट तो लगेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड एसी एंड बी सी आर इक्वल बी इक्वल टू सी एफ फोर्थ बीई इक्वल टू सी एफ फर्स्ट एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डिग्रीज सेकेंड क्यू अल्टीट्यूड है वो सो दीई एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड बी सी आर इक्वल ओके सो दीई टीपी टी ट्रैंगल ए बीई इज कॉन्ग्रगल ए सी एफ ए बी इज कॉन्ग्र सी एफ ये प्रूव करना है अपने को तो ए बी ई e में ये नाइन्टी है ये एंगल सपोज एक्स है इसको नाम दिया जेड ठीक है इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ए वन एटी देर फॉर एंगल ए बी ई ए बी कितना है नाइन्टी प्लस एंगल बी एज वन एटी सो एंगल ए बी ई इज वन एटी माइनस नाइन्टी प्लस एंगल बी ए वन एटी माइनस नाइन्टी इज नाइन्टी नाइन्टी माइनस एंगल बी ए इसको थर्ड देता हूँ मैं हुँ? उसके बाद उसके बाद देखो इन ट्रायंगल ए सी एफ एंगल ए सी एफ प्लस एंगल ए एफ सी प्लस एंगल सी एफ इज वन एटी एंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल ए सी एफ क्या होगा ए सी एफ मतलब ये वाला एंगल इसको नाम दिया सपोज वाइफ जस्ट कंसिडर ए सी एफ प्लस 90 प्लस सी एफ सी एफ कितना है सी ए एफ इज वन एटी तो एंगल ए सी एफ कितना हुआ मेरा वन एटी माइनस नाइन्टी प्लस एंगल सी एफ और डेट इज नाइन्टी माइनस एंगल सी एफ डैट इज एंगल ए सी एफ ए सी एफ क्या है नाइन्टी माइनस सी ए एफ लेकिन बी ए ई एंगल लो या सी ए एफ एंगल लो ये दोनों एंगल वही है एक्स फोर्थ देर फोर फ्रॉम थ्री एंड फोर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ ओके ठीक है अभी देखो दो एंगल ये जेड और वाई ये दोनों एंगल सेम है ठीक है ये एंगल नाइन्टी है और जो साइड है बी ई दैट इज सी एफ ओके तो अभी प्रूव करते हैं ए बी इक्वल टू तो ए सी एफ हो गया फिर एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए बी इज इक्वल टू तो नाइन्टी फ्रॉम टू सिमिलरली बी ई इक्वल टू सी एफ क्या है ये गिवन therefore therefore triangle abe is congruent to triangle acf ye dono triangle congruent hai to agar ye dono triangle congruent hai kaun se wale hai ye wala triangle और ये वाला triangle ये दोनों triangle congruent prove कर दिया मैंने तो इसका मतलब क्या है AB equal to AC by सी ए बी इक्वल टू ए सी कैसे सीपीसी अभी ये प्रूफ कैसे किया कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ठीक है तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब क्या है ट्राइंगल ए बी सी कैसा है आई ऐसा उसका प्रूफ है एबीसीड डीबीसी ट्रैंगल ऑन द सेम बेस बी सी सो दट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बहुत सिंपल है बहुत सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन एग्जाम में आया तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए देखो इन ट्रैंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी देर फॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी भी कैसे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है तो so, इसको नाम दिया मैंने सपोज एक्स तो ये एक्स तो so, ये बी एक्स इन ट्राइंगल डी बी सी DB equal to DC. Therefore, angle DBC is equal to angle DCB. Again, Q. Angles opposite to equal sides are equal. तो so, इसको नाम दिया मैंने y दोनों एंगल y ये भी y ये भी y तो एंगल ए बी डी क्या है एंगल ए बी डी हुआ एक्स प्लस वाई एंड एंगल ए सी डी क्या हुआ एक्स प्लस वाई ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में और यहाँ पे एक्स और वाई लिखना है देर फोर इसको नाम दिया वन इसको नाम दिया टू देर फोर फ्राम वन एंड टू तो एंगल, एंगल एब 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 ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी हिंस तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स बी इक्वल टू एसी एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी ये दो इक्वल दिया साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड सेवन पॉइंट थ्री फोर दिया हुआ है देखो साइड बी ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है बी एज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दी इक्वल टू ए बी ये इसको इक्वल है सो दीसीज एंगल इज अ राइट एंगल एंगल बी सी डी राइट एंगल है प्रूव करना है ठीक है अच्छा अभी देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी

ओके ना इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी इज वन एटी क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज वन एटी एंगल सम प्रॉपर्टी तो बी सी डी कितना है मेरा एक्स प्लस वाई बी डी सी कितना है मेरा वाई देखो बी डी सी वाई है और डी बी सी कितना है मेरा एक्स दिस इज वन एटी देर फोर टू एक्स प्लस टू वाई इज वन एटी देर फोर टू इंटू एक्स प्लस वाई इज वन एटी देर फोर एक्स प्लस वाईल टू वन एटी अपॉन टू नाइन्टी डिग्रीज लेकिन एक्स प्लस वाई क्या है एंगल डी सी बी डी सी ए प्लस ए सी बी देर फोर एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्रीज और यही तो प्रूव करना था अपने को कि एंगल डी सी बी मतलब बी सी डी इज राइट एंगल खत्म क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सेवन ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज नाइनटी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए इज 90 तो so, ये ए नाइनटी है ये ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी ए बी इक्वल टू ए सी फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी कितना सिली क्वेश्चन है ये ये और ये इक्वल होगा देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी क्यों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है तो so, इसका नाम दिया मैंने एक्स ना इन ट्राइंगल एबीसी इज वन एटी क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी ओके देर फोर टू एक्स प्लस नाइनटी इज वन एटी तो टू एक्स कितना हुआ वन एटी माइनस नाइन्टी तो टू एक्स कितना हुआ नाइन्टी तो एक्स कितना हुआ फोर्टी फाइव तो पूछा क्या है फाइन एंगल बी एंड एंगल सी तो लिखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्रीज ओके नेक्स्ट

ए बी इज इक्वल टू ए सी देर फोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी क्यों एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल ठीक है तो इसको नाम दिया सपोज मैंने एक्स तो ए बी सी भी एक्स है और ए सी बी भी एक्स है ठीक है ऑल्सो ए बी इक्वल टू बी सी देर फोर ए बी की अपोजिट का एंगल कौन सा है एसी बी और बी सी की अपोजिट का एंगल बी एसी लेकिन ए सी बी कितना है एक्स इसको वन देते हैं फ्रॉम वन देर फोर बा एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज वन एटी समल इज वन एटी लेकिन तीनों कितने तो थ्री एक्स कितना है वन एटी देर फोर एक्स कितना होगा सिक्सटी देर फोर हेंूड एंगल्स ऑफ एन इक्र ट्रेंगल आर सिक्सटी डिग्री इच नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है ठीक है ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे